दोस्तों, दिवाली बोनस के बारे में आप सभी ने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं आखिर बोनस कैसे और कब शुरू हुआ? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानें बोनस कैसे शुरू हुआ और किसने बोनस के इस प्रथा को शुरू किया। श्रमिक जगत में भारत में नियोक्ता प्रति सप्ताह वेतन देता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजी माह की तरह वेतन भुगतान की पद्धति शुरू की। साप्ताहिक वेतन प्रणाली के अनुसार एक वर्ष में 52 सप्ताह का वेतन मिलता था। यदि 4 सप्ताह का 1 महीना रखा जाए तो साल में 13 वेतन मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी व्यवस्था के अनुसार 12 मिलते हैं। जब बाबा साहब का ध्यान इस बात पर गया तो बाबा साहब ने 13वां वेतन दिलाने के लिए सरकार को पत्र लिखा और चेतावनी दी कि यदि उन्हें अधिकार नहीं मिला तो वे निर्देशित कर देंगे। एहसास हुआ बाद में 13वां वेतन कैसे दिया जाए, इस पर विचार करते हुए बाबा साहब ने सरकार को कुछ निर्देश दिए और सुझाव दिया कि एक वेतन दिवाली से पहले दिया जाना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार है और 30 जून 1940 को बोनस अधिनियम लागू हुआ। तो इस तरह बी.आर. अंबेडकर ने दिवाली बोनस शुरू किया।